जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी बैट्समैन के लिए, और आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा जो आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में, अपने फिटनेस शेड्यूल में इंक्लूड करके अपनी पावर हिटिंग और रेंज हिटिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। जब रेंज हिटिंग, पावर हिटिंग और लंबे छक्के मारने की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास टेक्निक और टाइमिंग होना, जो कि आई थिंक आप अपनी ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहे होगे टेक्निक और टाइमिंग के लिए। लेकिन इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है स्ट्रेंथ एंड पावर। आपने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को देखा होगा कि वो कई बार मिस टाइम भी करते हैं बॉल को, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर होती है तो उनके जो छक्के होते हैं वो काफ़ी दूर जाते हैं और काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए स्ट्रेंथ एंड पावर डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूँगा जो कि आपकी बैटिंग स्पेसिफिक रहेंगे और साथ में आपकी स्ट्रेंथ एंड पावर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं जो एक्सरसाइजेस शेयर करूँगा गाइस, वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। बस आपके पास जो है इनफ कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए, और अगर आप एक मिनट तक प्लैंक परफॉर्म कर पा रहे हैं बिना अपना पोस्चर खराब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग योर पोस्चर, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ कोर स्ट्रेंथ है। और अगर आपके पास इनफ कोर स्ट्रेंथ है तो आप जो ये तीन एक्सरसाइजेस जो है इनको फॉलो कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस पे जंप करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए बैटिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, कि आपको जिम में, ग्राउंड में और फिटनेस में किस टाइप की ट्रेनिंग करना है अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके जाइएगा, तो मैं आगे जाकर इसके रिगार्डिंग और वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, अब मूव करते हैं हम हमारी एक्सरसाइजेस की ओर। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करना है वो है वुड चॉप। वुड चॉप एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना डंबल हाथ में लेना है और एक रोटेशनल मूवमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपकी डंबल की पोजीशन जो है एकदम सही रहे, जैसा मैंने वीडियो में परफॉर्म करा है। और साथ ही में आपको इस एक्सरसाइज के तीन सेट परफॉर्म करना है। हर एक सेट में जो है आप 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हो एक साइड से, और 10 से 12 रेपिटेशन दूसरी साइड से। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आप मूव करोगे सेकंड एक्सरसाइज पर, वो रहेगी केबल रोटेशन। केबल रोटेशन अगर आपके जिम में नहीं है तो यहाँ पर जो है आप बैंड का यूज़ भी कर सकते हो, बड़ा वाला जो लूप बैंड आता है। और आपको बता दूं, ये एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही करो, ये एक्सरसाइजेस आप अपने बैटिंग शेड्यूल के पहले भी कर सकते हो। मतलब आपकी बैटिंग होने वाली है नेट्स में, या फिर आप मैच खेलने वाले हो, या फिर अपने वार्म अप में इंक्लूड करना चाहते हो एक एक सेट इन एक्सरसाइजेस का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो केबल रोटेशन आपको वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आप जो है बैटिंग करते टाइम पुल मारते हो। तो पुल मारते टाइम जो है आपका हाई अमाउंट ऑफ कोर इंगेज होता है, और साथ ही में जो है आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ और पावर इंक्लूड होती है। तो ठीक ऐसे ही जो है आपको केबल रोटेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पर जो है आप बैंड का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप केबल रोटेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। केबल रोटेशन के गाइज आपको तीन सेट ही परफॉर्म करना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक ही साइड से परफॉर्म कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों साइड से परफॉर्म करो। जनरली अगर आप एक राइट हैंड बैट्समैन हो तो आपको सिर्फ एक ही साइड की ज़रूरत पड़ेगी पावर डेवलप करने के लिए, आपको अपोजिट साइड डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लेफ्टी बैट्समैन हो तो आपको दूसरी साइड से करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको दोनों साइड से परफॉर्म करना है कि सिर्फ एक साइड से। अगर आप एक साइड सिंगुलर साइड से करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को वार्म अप में कर रहे हो, और अगर आप इसको जिम ट्रेनिंग में परफॉर्म कर रहे हो तो आप इसको जो है दोनों साइड से परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज अब मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो रहेगी मेडिसिन बॉल स्टेप आउट एंड ड्राइव। अब बैटिंग में कई बार आप स्टेप आउट करके ड्राइव करते हो, हम सेम मूवमेंट को जो है इस एक्सरसाइज में इनिशिएट करेंगे, और हम जो है स्टेप आउट करके मेडिसिन बॉल को यहाँ पर थ्रो करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें और स्ट्रेंथ और पावर को जो है लगाना होगा मेडिसिन बॉल को थ्रो करने में। तो हमारी जो अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ एंड पावर है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट परफॉर्म करना है, और हर एक सेट में जो है आप 10 से 12 जो है स्टेप आउट एंड ड्राइव कर सकते हो मेडिसिन बॉल के साथ। तो अगेन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस ये थे आज के हमारे तीन एक्सरसाइजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।